परीक्षा कर रही थी, उन्होंने ये देखा कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गंदगी है, सैनिटाइजेशन नहीं है, वहाँ पे डिसइंफेक्शन का काम नहीं है, वहाँ पे खाने के प्रॉपर इंतजाम नहीं है। तो ऐसा पहली बार हुआ था दुनिया में कि कोई भी नर्स को सैनिक छावनी में भेजा गया था काम करने के लिए। तो वहाँ की जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी वो भी उनसे बहुत प्रभावित हुई और उनको मिलने के लिए बुलाए। तत्पश्चात क्या हुआ कि महारानी विक्टोरिया ने उनको उसके लिए अवार्ड भी दिया। बाद में जाकर के उनके नाम से द कॉलेज ऑफ नर्सेस भी ब्रिटेन में खुला। फिर सन 1996 में वो फिर यहाँ भी आई, इंडिया आई, और इंडिया आकर के भी उन्होंने यहाँ के नर्सेस को देखा, यहाँ के पेशेंट्स को देखा, यहाँ के मरीजों को देखा, और नर्सेस के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही ज्यादा उपलब्धि हासिल की, बहुत ही ज्यादा काम किया। तो आज के दिन में जो हम ये काम करते हैं, नर्सेस के मनाते हैं, उन्हीं के बर्थडे के आधार पे मनाते हैं। तो उन्हीं की उपलब्धि के लिए आज हम उन्हें शत शत नमन करते हैं, उनको दिल से आभार व्यक्त करते हैं। नाइटिंगेल का जो है ना चल रहा है ना, कब होगा कि हिंदुस्तान की कोई नर्स जो है उसके नाम पर हम लोग जो है एक दिन बनाए इनके नाम पर? नहीं, हम लोग को अपने देश में ऐसा स्टॉलवर्ट पैदा करना है जिसके नाम से जो है सो ये देह हम लोग विकसित कर सकते। मैं सोचती थी कि हम ब्रिटेन के किसी भी आदमी इंडिया के किसी भी नर्स के नाम पे क्यों नहीं कर सकते? वही बात मैं कह रहा हूँ कि हमारे नर्स में क्या कमी है उनसे? अच्छा है सर, क्या कमी है हमारे नर्स में? हमारे नर्स पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, तो फिर डेडिकेशन के साथ काम करते हैं तो उनका दिन हम मनाएंगे। इसीलिए तो हम अपना दिन मना रहे हैं सर, इसलिए हम अपना दिन मनाए हैं, अपना नाइटिंगेल का दिन नहीं मनाया, हम लोग अपना दिन मना रहे हैं। ऐसा बेहतर करके दिखाएं। बस 12 मई विश्व नर्सिंग दिवस के अवसर पर SKMCH मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की नर्सिंग की हमारी मातृका महोदया इस वक्त अपना ब्लड डोनेशन कर रही है। एक महिला होके और 50+ एज होके अपना ब्लड डोनेशन कर रही है, ये काफी सराहनीय है और समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि महिला सशक्तिकरण को इस उम्र में भी मैम आगे बढ़ा रही है। मैम से दो शब्द जानेंगे। मैम, आज आप अपना रक्तदान कर रही है, कैसा महसूस कर रही है? महिला दिवस के अवसर पर आज हम अपने जो है सभी सीनियर सिटीजन से हम अनुरोध करेंगे कि ब्लड देने से एज कोई लिमिट नहीं रखता है, उसको जो है खान पान में सही सलामत रहे, सही है, हेमोग्लोबिन अगर जो 10 से ऊपर है तो दे सकता है। मैं अरुण कुमार साई, डिजिटल न्यूज 20 से चीफ रिपोर्टर। अभी आप मातृका महोदय, आप जो अभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं इसका क्या कारण है आप बताएं अपने परिचय के साथ? नर्सिंग दिवस के शुभ अवसर है, 12 मई मेरा नर्सिंग दिवस है, उसी के शुभ अवसर पर हम ब्लड डोनेट का कार्यक्रम आयोजन किए थे। उस आयोजन में हम अपना ब्लड सबसे पहले दे करके जनता जागरण को और सभी स्टाफ को हम सूचित करते हैं कि ब्लड देने से कोई दिक्कत नहीं होता है, इसका नया ऊर्जा का संचार होता है, बीमारी के से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। ब्लड देने की कोई उम्र नहीं होता है, उसको हिम्मत होना चाहिए, ब्लड में हीमोग्लोबिन की संख्या होना चाहिए। तो हीमोग्लोबिन मेरे पास भी है और हिम्मत भी मेरे पास में बहुत है, एज कोई मायने नहीं रखता। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज नर्सिंग डे के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे जो की हम लोगों की द लेडी विद द लैम्प एंड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सेस कही जाती हैं, तो उनके बारे में अगर संक्षिप्त जीवनी हम कहें तो आज के ही दिन 12 मई के दिन सन 1820 में इटली में उनका जन्म हुआ था। उनका परिवार एक ब्रिटिश परिवार था और वो लोग बहुत ही रईस परिवार के लोग थे, पर ब्रिटेन के थोड़े दिनों के बाद उनका फिर आगमन ब्रिटिश हो गया। वो शुरू से ही पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा माहिर थी, उन्हें फ्रेंच, ग्रीक और हर चीजों का बहुत ही ज्यादा नॉलेज था। शुरू से लेकर के लास्ट तक उन्होंने बहुत ही अच्छे नर्सिंग के लिए काम किए और जिसके लिए चल करके उन्हें बाद में वहाँ के गवर्नमेंट ने द वॉर ऑफ द उस समय वार वहाँ पे हो रहा था जिसमें कि टर्की, केन्या और रशिया भाग ले रहा था। रशिया उस वार में हार भी गया, लेकिन उस समय ब्रिटिश की सेना उस वॉर में बहुत ही हताहत हुई थी। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बुलाया कि कृपया करके आप आए हमारे सैनिक छावनी में और हमारे जो सैनिक है उनकी सेवा करें। तो हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल गई अपने 38 नर्सों की एक टीम को बना
बना करके वो ही सैनिक छावनी में गए। आप क्या महसूस कर रही हैं, ब्लड अभी डोनेट कर रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमारी अमृता राज है। अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ब्लड डोनेट? कोई गरीब का जान इससे बच सकता है, कोई गरीब परिवार का। पहले भी किए हैं? जी नहीं। श्वेता कुमारी नाम हुआ। और रक्तदान तो महादान होता है, इसलिए सभी को करना चाहिए जिससे कि दूसरे मनुष्य को भी मदद मिले। पहले भी किए हैं? हाँ। पहली बार रक्तदान कर रहे हैं या पहले भी किए? दूसरी बार। क्या नाम हुआ आपका? अनुपम कुमारी। अच्छा, क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा। आप पहली बार रक्त? नहीं सर, सेकंड बार कर रहा हूँ। सेकंड बार। क्या नाम हुआ? जाकिर। कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा है SKMCH में, तो मैं सभी स्टाफ से ये विनती करता हूँ कि सभी अपना ब्लड डोनेट करो, बहुत अच्छा लगता है। आप सभी ब्लड डोनेट करने के लिए कतार में हैं। आप दे चुके हैं। क्या नाम हुआ आपका? रंजन। पहली बार दिए हैं? जी मैं राकुल रहमान यीशु। आज 12 मई विश्व नर्सिंग दिवस है, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस है। इस अवसर पर जो है हमारे SKMCH मुजफ्फरपुर के ब्लड बैंक में जो है यहाँ तमाम नर्सिंग स्टाफ के द्वारा जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें अभी तक हमारी 10 नर्सिंग स्टाफ ने अपना रक्तदान जो है कर दिया है, जिसमें हमारी मातृका महोदय ने भी अपना रक्तदान किया है। तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि नर्स जो है समाजी है, नर्सिंग सेवा के साथ साथ सामाजिक सेवा में भी आगे आके अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और रक्तदान जो है एक बहुत बड़ा दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से अपील करूंगा कि वो भी आगे आए और अपना ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करने का प्रयास करें। धन्यवाद। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।